वेलकम बैक दोस्तों, ये मैंने जो कैप पहनी हुई है ये आप देख रहे हैं, इसके ऊपर GoPro अटैच है और ये फिक्स माउंट लगी हुई है GoPro की। और ये जो हैट है ये बेसबॉल हैट है और ये पुलूस कंपनी है उसकी बनी हुई है, PULZ पुलूस। ये मैंने दराज से परचेज की थी और पुलूस जो कंपनी है वो फेमस ही बेसबॉल हैट बनाने में फेमस है, जिनके साथ GoPro माउंट ऑलरेडी फिक्स होती है। इफ़ यू वॉन्ट टू ट्राई दिस हैट तो आई विल सजेस्ट गो फॉर पुलूस हैट, इट विल हेल्प यू टू रिकॉर्ड योर ऑल एक्टिविटीज, एक्शन एक्टिविटीज लाइक हाइकिंग और एनी एक्टिविटीज सच ए गेम, जॉगिंग। अगर आप कोई भी एक्टिविटी रिकॉर्ड करना चाह रहे हो, हेड के ऊपर माउंट करना चाह रहे हो GoPro को, मेरा ख्याल है आपको प्लूस की कैप को ट्राई करना चाहिए। और ये कैप के साथ GoPro मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि मैं अभी बिहाइंड द सीन कुछ एक्टिविटीज़ अपनी रिकॉर्ड करना चाह रहा था, क्योंकि मुझे एक सेकेंडरी कैमरा चाहिए था जो कि जो भी मैं अगर एक्टिविटी कर रहा हूँ, कोई अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ या कोई चीज़ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ तो उसकी टॉप पे भी एक व्यू बन जाए। और अगर मैं साइड से रिकॉर्ड करना चाह रहा हूँ तो साइड पे GoPro को किसी ट्राईपॉड वगैरह पे लगा लूँ। एनीवे अब आपको ये नज़र आ रहा होगा, ये लाइट है RGB लाइट और ये बहुत स्मॉल पोर्टेबल लाइट है। और उसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसमें क्या है। जो मॉडल है इसका LY01 लिखा हुआ है, इधर आपको भी नज़र आ रहा होगा। और ये RGB लाइट है और यहाँ लिखा हुआ मल्टी फंक्शनल LED कलर फिल लाइट, उसको ऐसा फिल लाइट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं इसको हम। लुमिनेंस को मोड है, लुमिनेंस टाइप सी इनपुट है, टाइप सी केबल के जरिए चार्ज हो रही है, पावर इंडिकेटर, बिल्ट इन मैगनेट, इसके अंदर मैगनेट भी है, OSQ होल पोर्टेबल हुक भी इसके साथ अवेलेबल है। अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं कि क्या है इसके अंदर, किस क्वालिटी की है, इसको यूज़ करके देखते हैं और फिर देखते हैं RGB लाइट हम किस तरह से इसके बेनिफिट्स हम ले सकते हैं। ये मैं इसको ओपन करते हैं, ये मैंने ओपन किया और ये काफ़ी छोटी है, बहुत पोर्टेबल लग रही है। और इसका ये पाउच है और इस पाउच को अगर मैं ओपन करूँ तो ये हमारी RGB लाइट है, बहुत मिनी RGB लाइट है, मिनी काइंड ऑफ RGB लाइट। और इसकी जो बिल्ड क्वालिटी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। यहाँ पीछे मैग्नेट अवेलेबल है, ये बैक हुक है अगर आपने कहीं हैंग करना हो, और यहाँ आप अपना कोई ट्राईपॉड या लाइट स्टैंड इसके ऊपर आप माउंट कर सकते हैं। ये भी हम आगे देखते हैं, ये बटन्स हैं इसके अंदर, 4 बटन्स हैं। यहाँ से आप पावर केबल के जरिए जो कि टाइप सी है वो आप यहाँ अटैच कर सकते हैं और यहाँ से चार्जिंग इसकी कर सकते हैं। प्लस का निशान है, नेगेटिव का निशान है, यहाँ से आप इंटेंसिटी इंक्रीज़ कर सकते हैं, यहाँ से आप डिक्रीज़ कर सकते हैं, और इसी तरह यहाँ से आप पावर ऑफ कर सकते हैं या मोड्स वगैरह चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसको देखते हैं कि इसके इस बॉक्स में और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं। ये पाउच हो गया, ये केबल आ गई और इस केबल के जरिए हम चार्जिंग इसकी करेंगे। ये जो है इसके साथ ये बोर्ड दिया हुआ है, नट दिया हुआ है, ये असल में क्या चीज़ है यह मैं आपको भी बताता हूँ। इसके ज़रिए से आप इस लाइट को अपने कैमरे के साथ अटैच कर सकते हैं। वो कैसे कर सकते हैं सर, मैं आपको भी बताता हूँ। ये मेरे पास कैमरा है, एंटीक कैमरा, और इसको मैं अक्सर काफ़ी प्रोजेक्ट्स में यूज़ करता हूँ जस्ट टू प्रेजेंटेशन पर्पस। और ये इस बोर्ड को हम यहाँ इस तरह से अटैच कर सकते हैं, ये अगर कैमरा है तो कैमरे के अंदर हम जहाँ स्पीड लाइट को माउंट करते हैं उस जगह पे आप इसको यहाँ लगा सकते हैं, यहाँ आप इस तरह करके लगा देंगे, इस जगह पे आप इसको अपनी लाइट को माउंट कर देंगे। ये देख रहे हैं आप, इस तरह से आप किसी भी कैमरे के साथ इसको अटैच भी कर सकते हैं। क्योंकि इस लाइट की ख़ास बात ये है कि इसके ऊपर जो उन्होंने कोटिंग दी हुई है, ये ऐसा डिफ्यूज़र है जो कि जो हार्श लाइट है उसको बहुत सॉफ्ट लाइट में कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से आप इसको एज अ फिल लाइट इसको यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट में। जब आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं या फोटोग्राफी कर रहे हैं, स्पेशली अगर आप वीडियोग्राफी कर रहे हैं तो ये लाइट आप कैमरा बॉडी के ऊपर लगा सकते हैं, आपके पास मिररलेस है या DSLR जिससे भी आप वीडियो बना रहे हैं, और उसी जगह पे आप माउंट कर सकते हैं जहाँ कोई स्पीड लाइट या कोई ट्रिगर आप अपना माउंट करते हैं। और ये मैंने ऑन कर दिया और काफ़ी तेज़ लाइट है। और इस लाइट का ये है कि यहाँ से अगर मैं यहाँ माइनस के निशान को क्लिक करूँगा, इसको दबाऊँगा तो इसकी इंटेंसिटी कम होती जाएगी,
और ये कम होगी। अब आपको ये नज़र आ रही होगी कि जो लाइट है ये किस तरह से आप ऑन द कैमरा यूज़ कर सकते हैं। इस आरजीबी लाइट का जो मेन एडवांटेज ये है कि ये बैटरी पावर्ड है और आप इसको चार्ज करें, टाइप सी केबल्स के साथ अवेलेबल है। ये इतनी स्मॉल लाइट है, आप इसको आसानी से इस पाउच में डाल के अपनी पॉकेट में डाल सकते हैं और इजीली आप इसको कैरी कर सकते हैं किसी और अपने बैग में भी डाल लें। इसी तरह इस लाइट के पीछे मैग्नेट है, आपने अगर कहें अटैच करना किसी मेटेलिक बॉडी के साथ, आयरन मेड बॉडी के साथ, आप इसको अटैच करें और ये देखें ये अटैच हो गई, ये इसका मज़ा है। इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं इसको हैंग करना चाहें, ये फंसा लें, इसके नीचे पीछे हुक है, हुक के ज़रिए से आप इसको ऐसे करके फंसा लें, ये इस तरह से आप इसको हैंग भी कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस मैनुअल 3000 mAh बैटरी इसके अंदर मौजूद है कि अगर आप इसको फुल इंटेंसिटी के साथ हाई पावर या हाई कैपेसिटी के साथ अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो ये आपको अराउंड 5 hours तक बैकअप टाइम देगी, तो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस है। अगर आप लो इंटेंसिटी के साथ यूज़ करेंगे ये अप टू 100 hours तक आपको ये बैकअप टाइम देगी जो इसके साथ बैटरी है। मेरे ख्याल ये बहुत अच्छा इसका फीचर है, आप ट्रैवलिंग के दौरान भी इसको यूज़ कर सकते हैं और कहीं आप हाइकिंग पे जा रहे हैं या आउटडोर एक्टिविटीज़ पे लिए जा रहे हैं, कैंपिंग भी जा रहे हैं, तो मेरा ख्याल है उस वक्त भी ये कारामद हो सकती है ये लाइट आपको, क्योंकि ये बैटरी पावर्ड लाइट है, आरजीबी लाइट है। और इसमें एक और फीचर है SOS, यानी कि आपने किसी से हेल्प लेनी हो तो आप इसमें SOS मोड ऑन करेंगे और दूर से आपको ये लाइट ब्लिंक करती हुई नज़र भी आएगी मुख्तलिफ कलर्स में, यानी कि कितनी ये वाटर रेजिस्टेंस है, वाटर प्रूफ है, IPS65 इसमें मेंशन है। बहुत तेज़ लाइट है, मेरा ख्याल है कि इस लाइट को अंडरस्टैंड करने के लिए बेहतर है कि मैं अपनी जो मेन जो की लाइट है स्ट्रोक की वो मैं ऑफ़ कर लूँ, और ये मैंने की इसको ऑफ, लाइट आ गई है और ये मे बी 3200 केल्विन टिंट लाइट है। और अब मैं इसका मोड और चेंज करूँगा तो ये अराउंड 4800 केल्विन कलर टिंट आ गया है। ये रेड स्ट्रोब लाइट है, ये ब्लू स्ट्रोब लाइट है, ये वाइट स्ट्रोब लाइट है, इसकी हम फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और ये अब कलर ब्रीथिंग लाइट है, अब कलर ब्रीथिंग लाइट में आपको मुख्तलिफ कलर्स नज़र आएंगे और आपको अगर जो भी कलर सूट करता है, जो कलर आप यूज़ करना चाह रहे हैं, आप उस कलर को लॉक कर सकते हैं। ये मैंने इसका कलर लॉक कर दिया, ब्रीथिंग मोड में ये कलर चेंज करती है और आपको जो भी कलर्स पसंद हो आप उसको लॉक कर सकते हैं दोबारा मोड के बटन को दबा के। और आप देख रहे हैं कि ये कितनी स्ट्रॉन्ग लाइट है, और इस लाइट के ज़रिए से आप मुख्तलिफ किस्म के ड्रामेटिक काइंड ऑफ इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। ये मेरे पास 2 lights हैं और मैग्नेट होने की वजह से दोनों जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, ये मैंने इनको अलहदा कर लिया, देखें मैग्नेट की वजह से दोनों जुड़ भी जाती हैं, ये देख लें। अब इससे हम इफेक्ट वगैरह क्रिएट करते हैं, अगर मैं एक साइड पे ब्लू को रखूं और दूसरे साइड पे येलो को रखूं, ये देखें इस तरीके से। देखिए आप मुख्तलिफ किस्म के इफेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं अपने जो वीडियोग्राफी के प्रोजेक्ट्स हैं उनमें, सीन जो आप बना रहे हैं उस पर आप ड्रामेटिक काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं, ये मैंने एक आरजीबी लाइट यहाँ लगा दी है अपने लाइट स्टैंड पे, जैसे ये स्टैंड है उसके टॉप पे मैंने आरजीबी लाइट लगा दी है, वाइट है, कोल्ड इसका टेम्परेचर है, कोई कलर है कोल्ड लाइट है, वार्म नहीं है। और इसको मैं एज आ रिम लाइट यूज़ कर रहा हूँ ताकि बैकग्राउंड से ज़्यादा सेपरेशन मिले और एक बड़ी डेप्थ वाली आपको लाइट मिले जिससे अच्छा इफेक्ट मिले। कि ये आप किसी भी वीडियोग्राफी के प्रोजेक्ट में भी यूज़ कर सकते हैं, एज अ यूट्यूबर भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इस तरह का आपको इफेक्ट मिल जाएगा अगर आप पीछे से इसको रिम लाइट एज अ सोर्स यूज़ करें। अब आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा ये रिम लाइट का इफेक्ट है। अब देख रहे हैं मैंने कलर चेंज कर दिया और आपको पीछे से नज़र आ रहा होगा ऑरेंज का शेड आ रहा होगा, पीछे चेंज कर दिया और वार्म कलर टिंट यूज़ की है। और इससे ये है कि सब्जेक्ट अब आप मुझे देख सकते हैं कि मोर बैकग्राउंड सेपरेशन हो गई है, अब मैं बिल्कुल सेपरेट लग रहा हूँ अपने बैकग्राउंड से और बड़ा अच्छा इफेक्ट क्रिएट हो रहा है, 3D काइंड ऑफ इफेक्ट क्रिएट हो रहा है।
तो इस तरह से मुख्तलिफ कलर्स की आरजीबी लाइट चूज करके बड़ा आर्टिफिशियल सा 3D काइंड ऑफ इफेक्ट सा क्रिएट कर सकते हैं अपने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स में।